नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टेस्ट के आज के बहुत ही ज्यादा खौफनाक बिल्कुल अलग से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की स्टोरी बहुत ज्यादा खौफनाक होने वाली है, क्योंकि मम्मी आप लोगों को एक आसाम की भूतिया घटना बताने वाली है, जो सुनोगे ना आप तो आपका दिल बिल्कुल दहल सा जाएगा। तो मम्मी आप लोगों को शुरुआत से बताने वाली है, आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। ये आसाम का बात है। एक माँ बाप का दो लड़की थी, वो दोनों घूमने खेलने गए थे, बड़ी वाली 10 साल के, छोटी वाली 8 साल के। तो जब 1 बज जाता है तो कोई नहीं रहता है, वो बगीचे में आम के चक्कर में वो चली गई। उधर वो लोग बच्ची नहीं आई, उधर खेल रहे थे। हाँ, गर्मियों में छुट्टियों में आम तो रहता ही बगीचे में। हाँ, तो वो गाँव में बगीचे में तो आदमी को जलाते है ना। हाँ, हाँ, हाँ। जिसको नदी उदी नहीं रहता है ना, जिनका शमशान घाट बगीचे में ही बना। हाँ, तो वो शमशान घाट में वो गरीब है, दूर नहीं ले जा पाते हैं, तो वो क्या करते है कि वो अपने बगीचे में वो जला देते है, वही शमशान बना। वही शमशान था उधर, ये थी कुछ, वो बड़ी वाली बता रही थी कुछ खड़खड़ाहट है। वो छोटी वाली गई दौड़ के, तो वहाँ देखी थी कि एक आदमी ऐसे लेटा हुआ था, ऐसे पड़ा हुआ था, ऐसे पड़ा हुआ था। उसको नहीं समझ में आ रहा था कि सोया है कि जगा है। हाँ। तो नहीं, बच्चे बहुत हरकत कर देते हैं। हाँ, हाँ। तो 1 बज रहा था वो, वहाँ वो थोड़ा मोट घटिया था। हाँ। बस वो छोटी वाली एक कंकड़ उठा के उस पर चलाती, मतलब जो आदमी बगीचे में ऐसे पड़ा हुआ था। हाँ। बेसुध अजीब सा, उसके ऊपर वो छोटी वाली बहन ने एक पत्थर मार दी। हाँ, एक पत्थर मार दी। हाँ। मार के और भाग के, हंसते हुए भाग के चली गई बड़ी, मतलब ऐसे मजे ले रही, सोच रही। हाँ, थी। हाँ। ये आदमी जो सोया ना उसको मैं मारूंगी और भाग जाऊंगी, छोटे बच्चे होते हैं ऐसा। हाँ। हरकतें करते हैं। तो वो क्या कर रही की वैसे घर में आ गई, दोनों कहीं कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो बड़ी वाली देखी थी कि मार रही, वो बोली थी कि दीदी वो आदमी वो सोया है, तो बोलती थी कि सोया है तो सोने दो। हाँ, उतना उसको भी समझ नहीं था, वो बता रही थी हमसे। हाँ। कि उतना हमको भी समझ नहीं था। तो वो जब देखी ना तो आ गई घर में, तो वो रात में बुखार हुआ, मतलब उस आदमी को मारी पत्थर। हाँ, बस उसके और साथ में हुआ गया, उसको पकड़ लिया वो लड़की। मतलब कि देखा जाए जो आदमी वहाँ पे लेटा था। हाँ। वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं, कोई ना कोई जिन या पिशाच था। हाँ, वो कोई पिशाच था, तो मारी बस उसको पकड़ लिया, पकड़ के लिया। और उसके बाद उन लोग का पता नहीं चला था, वो घर पर आ गई, घर पर आई रात में, खा पी के सोई। रात में बहुत बुखार हो गया, सवेरे उठे तो दावा देखने बुखार हो गया। इससे बुखार करते करते उसको खून चूसते चूसते उसको सारा दिन का खून चूस लिया, पतली हो गई। हाँ, वो दावा दिखा रहे थे, कुछ उसको नहीं सुनाई हो रहा था। हाँ। उसके एक भाई के माथा का ये थी खत्म हो गया, किसी को कुछ भी बोल देती, मतलब पागल टाइप हो गई, किसी को कुछ भी बोल देती। ऐसे करते करते वो लोग दावा भी दिखाते दिखाए, डॉक्टर बोला कि अभी सही नहीं होगी, मतलब उसका दिमागी संतुलन। हाँ, पूरी तरह तरीके से हिल गया। हाँ, तो वो क्या कुछ दिन के बाद वो लड़की मर गई, और अजीब सी हरकतें भी करती थी ना। हाँ, वो ये थी हो गई ना। हाँ। ऐसे करते करते वो पागल बिना दिमाग के हो गई। हाँ, हाँ। तो रात में उठती थी और अजीब सा बाल बाल उखाड़ने लगती थी। तो वो जब बीमार हो गई ना। हाँ, हाँ। तो उसको डॉक्टर के यहाँ दिखा के लाते थे ना, तो जब डॉक्टर के यहाँ ले जाते लाते, तो उस रात वो पागल टाइप के हो जाती थी। हाँ। और वो कुछ गिराता, फड़फड़ फड़फड़ गिरा देती। हाँ, हाँ। वो झोटा नोचती, किसी को पकड़ लेती तो लगती की खा जाए, वो डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहती थी, मतलब वो डॉक्टर से चिड़ती थी। बिल्कुल, बहुत चिड़ती थी। अरे, उसके ले जाने में दो आदमी बोल रहे थे कि मेरे बहन तो एक पत्नी कुछ भी देह में जान नहीं था। हाँ। लेकिन वो जब हॉस्पिटल में ले जाने लगते हैं तो दो आदमी लगता है दोनों तरफ से पकड़ने के लिए। हाँ। इतना ताकत था, वो जाने नहीं चाहती, हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे ऐसे बोलती। और घर में बहुत उत्पात करती, घर में बंद करके वो लोग रखते, और दवा कोई दवा हुआ काम नहीं करता था, वो दवा लायक था ही नहीं कुछ ऐसा। ऐसे करते 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 बड़ी वाली की शादी होने के बाद भी वो बता रही थी किसी को कुछ बोल देती। हाँ। शादी के बाद वो खत्म हो गई, मतलब तो वो मांग रही थी दीदी हमको नया कपड़ा दो, तो वो बोल रही थी कि ठीक है आएंगे तो देंगे, वो बार नहीं थी। और फिर मर गए, तो रो रही थी बता रही थी कि इतना ये थी था। लेकिन हाँ, वो मर गई तो कैसे ज्यादा पहचान आया, बड़ी वाली तो 2 साल के थी ना। हाँ। लेकिन उसको याद आता था कि हाँ वो आदमी, तो उसको बड़ी वाली क्यों लगा कि कोई शराब पी के सोया होगा। हाँ, लोग हाँ, पी के पड़े रहते हैं रोड पे। हाँ। लेकिन जब उसको माँ सांझ, जब सांझ लावका बोलते अपने देश में, 7:15 बजते है। हाँ, 7 बजे का टाइम बहुत डेंजर, मारने के बेरा 7 बजे का, रात में 1 बजे और भोरे में 3 बजे, ये 3 टाइम बहुत खराब होता है, हवा बिहार चलते हैं। क्योंकि पता है 7 बजे का टाइम सब लोग दिया। हाँ। जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। हाँ। और वो टाइम पे जो आत्माएं होती है ना, खलबला जाती है बिल्कुल। हाँ। एकदम तो वो ये थी हो गया, वो
उसको तब क्या कि लाइटिंग गई ना बस उधर गिर गई उसके माँ जो बाथरूम गई उधर गिर गई तेल देखे इतना टाइम हो गया क्यों नहीं आ रहे जा देखे तो वहाँ बेहोश पड़ी हुई थी। हाँ। उधर लाइट आम होंगे उसको लोग पानी वानी पिलाई सब पानी के छिटका मारा लेकिन वो नहीं कुछ नहीं सुनवाई हो रहा था। तब उन लोग का शंका हुआ कि अरे ये तो ऐसे वो भी हो गई ये क्या हो गई और लड़की भी आ गई इसके ऊपर। हाँ। तब वो तांत्रिक बुला के लाए बहुत झड़फूक किए थे तो बोले कि क्या हुआ तो ये बोल रहे थे कि हमको तू लो ये थी तांत्रिक से क्यों नहीं दिखाए। हाँ। हमको मतलब माँ के ऊपर वो लड़की आ गई इसकी आत्मा आ गई। हाँ। हमको ये थी हॉस्पिटल में क्यों ले जा रहा है तू। हाँ। हमको बहुत दिक्कत दिया है तूने हमको सुई लगवाई है हमको बहुत गंजन की हम तेरे के छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे अपने माँ के ऊपर आ गई बोलते कि नहीं छोड़ेंगे तेरे को भी ले जाएंगे नहीं छोड़ेंगे लेकिन उसको बहुत तांत्रिक से दिखा के घर के चौके ठवा के घुरिया के बंद करा दिया और उसको बहुत एथी से छोड़ा। तो वही बड़ी वाली हमसे बता रहे थे कि मेरी बहन मेरे कारण चली गई यदि हमने माँ से बताए होते तुरंत कि माँ वहाँ कोई लेटा हुआ था पत्थर मारी है तो माँ मेरा देखा सुना देती है तो मेरा बहन ठीक हो जाती। हाँ। लेकिन जब वो बोलती थी कि हमको कब याद आया जब माँ मेरा बेहोश हो गई और वो होश में वो आई जब वो बकने लगी। हाँ। कि हमने हमको पत्थर मारी तो हम इसको ले लिया और फिर वो बोल रही है कि वो दोनों उसके माँ पर हो गया मतलब दोनों की आत्मा वो हमको एथी लगाती सुई क्यों लगवाती तू हमको बहुत दिक्कत दी है हम तेरे के छोड़ेंगे नहीं। तब इसको याद है कह रही माँ वो तो बाली में बगीचे में ना वो ढेला मारी थी पत्थर मारी है तब उसको याद है बड़ी बहन तब जाके याद है तब उन लोग को पता चला। लेकिन सोचने वाली बात है कि जो छोटी बहन के ऊपर जो आत्मा था जो भी जिन था या जो भी चीजें था वो मतलब उसकी दोनों आत्मा उसकी बहन की आत्मा और उसकी आत्मा उसकी माँ के ऊपर आ गया। माँ को ले जाने के लिए एकदम तैयार है तो वो बहुत चुप कराए तो गए। उसके बाद घोड़ा होते है ना ये घोड़ा उसको नाल बोलते है नक को घोड़े का नाल रहता है कटवा के और जंतर बना के उसको गला में पहनाया और पूरे यथी को अपना मंडप को एकदम से गुड़िया का बनवा दिया पूरे घर को मतलब वो कर दिया बनवा दिया उसके ले जाके एक ठर बगीचे में बैठा दिया और उसको वहाँ पूजा पाठ कर दिया कि तू भी इधर से आना मतलब जो शैतान था जो पिशाच था उसको बगीचे में बंधवा दिए और जो लड़की थी जिसकी आत्मा थी उससे बचने के लिए पूरे घर को तांत्रिक को बुला के बंधवाए घोड़े का नाल पहना घोड़े का नाल पता है ऐसे लोग जादू वादू के लिए भी यूज करते हैं घोड़े का नाल पहना देते हैं ना घर में गाड़ देते हैं ना तो कोई ये थी नहीं पूरी आत्मा नहीं आती घोड़े का नाल गाड़ने से क्योंकि ये थी है ना वो परशुराम जी के घोड़ा है ना। हाँ घोड़े को बहुत शुभ मानते ना वैसे इसीलिए मतलब ये पता है कैसी कहानी है जैसा ना एक इंडिया से बाहर भी एक लड़की थी एमिली रोज नाम की उसके ऊपर ना 6-8 आत्माएं उसके ऊपर आई थी और उसकी उसके ऊपर फिल्म भी बनी है उसको इतना ज्यादा परेशान किया उसका भी जब दवाई दिखाते थे ना उसको तो बिल्कुल पागल हो जाती थी खाना पीना खाना छोड़ देती कीड़े मकोड़े खाती थी और वो दीवार नोचती थी बिल्कुल पागल जैसी हो गई थी। और उसके बाद जो वहाँ पे फादर होते हैं ना जैसे चर्च वाले फादर जहाँ पंडित होते हैं वैसे तो वो लोग आए और वो लोग उसका बहुत ज्यादा मतलब झाड़ फूक किए और झाड़ फूक करते करते जब वो लड़की 18-19 साल की लड़की पता है कितनी हो गई थी मरते मरते सिर्फ उसके शरीर में हड्डी था मांस पूरा गायब हो गया था पूरा तो लोग एक ही कर दे, गला देते हैं ना, उसकी गला देते मतलब असली फोटो डालूंगी आप लोग देखना मम्मी को भी दिखाऊंगी इतनी ज्यादा गंदी हालत उसकी हो गई थी। और जब आत्माओं ने जो बोला ना उसके ऊपर आए जब फादर ने देखा तो बोल रहे थे कि मेरा नाम ये है मेरा नाम लूसीफर है लूसीफर मतलब एक जो आत्माओं का राजा जो आत्माएं होती है ना उनका राजा लूसीफर और मैं मतलब हिटलर हूँ हिटलर की आत्मा भी उसके ऊपर थी और इतना गंदा गंदा बोलती थी उसकी आवाज टेप में रिकॉर्ड किए थे वो टाइम पे मतलब बहुत साल पहले की बात है मतलब बहुत टाइम टेप रेडियो होता था तो वो टाइम पे रिकॉर्ड किए थे उसमें जो तुमको आवाज सुनाऊंगे या तुमको 2 दिन नींद नहीं इतनी गंदी आवाज आत्माओं की आवाज है कि जो लोग सुनते हैं ना बिल्कुल पागल हो जाते हैं। मिलेगा तो मैं शायद इस वीडियो में थोड़ा सा डाल दूंगी अगर नहीं मिला तो नहीं डाल पाऊंगी। उस लड़की की हालत भी वैसी की वैसी हुई थी और मर गई वो। हाँ। और फादर लोगों पे केस भी हुआ था कि तुम लोगों ने दवाई नहीं दिखाए इसका तुम लोग झाड़फूक किए इसकी वजह से वो लड़की मरी है। और लेकिन कोर्ट में साबित भी हो गया कि जो लड़की मरी है वो भूत की वजह से मरी है मतलब हमारे झाड़फूक की वजह से नहीं मरी है। मतलब बहुत ही ज्यादा जैसा इस लड़की का भी केस सेम वैसे ही था जैसे एमिली रोज का था तो मतलब ऐसा सुनने में बहुत अजीब सा डरावना सा लगता है एकदम कुछ भी ऐसा हो तो अपने देश में जो औरत के बच्चा हो जाता है ना मरती है ना बच्चा होने के एक महीने के अंदर जो मर जाएगी औरत वो चुड़ैल बनती है ना तो उसको जहाँ जलाया जाता है ना तो वहाँ सरसों लेके ज्यादा वहाँ छीट देते हैं
छीट देते हैं कि वो सरसों बीन के वो सरसों पार करके नहीं आते किसी के पकड़। हाँ, सरसों पार सरसों बीनते 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 तो बहुत ज्यादा सरसों में ही होता है, बहुत ज्यादा होता है, बीनते में बहुत समय लग जाएगा तो उसका नया चलो बदल जाएगा। हाँ, इसीलिए मतलब किसी को नहीं, चुड़ैल की योनि से बाहर निकल के कोई और आत्मा चले जाएगी उसके कहीं और, वैसे टाइप का। हाँ। तो मतलब सुनने में बहुत अजीब सा लगता है। अगर आप लोगों को जानना है कि मतलब डायने कैसे बनती है, वो किसी को कैसे परेशान करती है, तांत्रिक कैसे बनता और कैसे उनसे बचना चाहिए, और आप उनको कैसे पहचानोगे कि कोई इंसान डायन है या टोनहा है, अगर आप लोगों को ये पूरा जानना है तो मम्मी कल के वीडियो में सब कुछ बताएगी आप लोगों को, कैसे लोग डायन सीखती है, कैसे जेंट्स लोग टोना सीखते हैं। हाँ, ये सब कुछ मम्मी आप लोगों को बताएगी, कल बताएंगे। हाँ, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक देख लिया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, और चलो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।